नमक से कैंसर वाली वीडियो को देखकर आपको लग रहा होगा कि हर दिन खाया जाने वाला नमक भी इतना खतरनाक साबित हो सकता है, जबकि नमक तो हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। मगर ये चेतावनी उन लोगों के लिए है जो अत्यधिक नमक का सेवन करते हैं। हाँ, अगर आप अधिक नमक खाने की लत से परेशान हैं तो अब आपको सावधान होने की आवश्यकता है। तो चलिए आगे के वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। नमस्कार, मैं आशुतोष उपाध्याय, तो चलिए शुरू करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार नमक ज़्यादा खाने से स्टमक कैंसर होने के चांसेस करीब 40% तक बढ़ जाते हैं। अब अगर ये बात शोध में सामने आ चुकी है तो आपको सावधान होने की भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको ये समझना होगा कि एक व्यक्ति को कितना नमक खाना चाहिए और कैसे कैंसर होने से खुद को बचाने की कोशिश की जा सकती है। साल 2019 में एक शोध रिपोर्ट में भी अधिक नमक के सेवन से पेट के कैंसर से खतरा होने की बात का जिक्र किया गया था। आपको बता दें कि प्रतिदिन लोग 8.6 ग्राम नमक खाते हैं। इस हिसाब से ये दर्शाता है कि लोग अधिक नमक का सेवन कर रहे हैं। यही कारण है कि पेट के कैंसर या फिर कैंसर जैसे मामले अधिक देखे जा रहे हैं। वहीं रिपोर्ट का यह भी मानना है कि लो सीमित मात्रा में नमक का सेवन करें तो कैंसर के 14% यानी कि लगभग 800 मामले कम हो सकते हैं। इससे कैंसर की संख्या को काफ़ी हद तक कम भी किया जा सकता है। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि हर दिन एक व्यक्ति को कितना नमक खाना चाहिए। भोजन में प्रतिदिन 6 ग्राम नमक स्वास्थ्य के लिए सही होता है। अगर आप इस हिसाब से भोजन में नमक खाते हैं तो स्टमक कैंसर का खतरा काफ़ी हद तक कम हो सकता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। धन्यवाद।